अस्सलाम वालेकुम तोजी भाई, क्या हाल चाल है। पाकिस्तानी फूड पर मूड की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर है। एंड टुडेज वीडियो इज गोना बी वेरी अमेजिंग, क्योंकि आज जो है मैं मौजूद हूँ तुर्कनान पे। जैसा कि आप सबको पता है, खाने और खिलाने का दस्तूर सदियों से चला आ रहा है और लोग कमाते ही इसलिए ताकि अच्छा खा सकें, और खाना जागेदार ना हो तो फिर फायदा ही क्या। चलिए जो है तुर्कनान की जो है हम नान की जो कैटेगरीज है वो हम डिस्कवर करते हैं और साथ साथ उसकी मेकिंग देखते हैं और साथ साथ उसको हम टेस्ट करेंगे किस तरह से इसका जायका, और उनके रिप्रेजेंटेटिव से हम बातचीत करेंगे। और दूसरा है कि बहुत ही एक यूनिक कॉम्बिनेशन लेके आए पाकिस्तान की जो स्पाइसेस का एज वेल एज तुर्किश स्पाइसेस का, चलिए उसको हम टेस्ट करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा। तो फर्स्ट एक है इसको जो है शेप देके प्रॉपर तरीके से इसको रोल कर देते हैं, देन फर्दर फिर ये फॉरवर्ड होता है आगे आगे की तरफ जाके, तो इस तरह से इसकी टॉपिंग हो रही होती है। ये इनकी भट्टी है, भट्टी के अंदर ले आप प्लेन, अभी तो कौन सा लगा हुआ चिकन सॉसी चीज है इसके अंदर। आप भट्टी बहुत ही गर्म हो रही है, उसकी तो हीट इतनी काफी ज्यादा है। अच्छा कितने मिनट में पक जाता है तकरीबन? 10-15 मिनट लगते हैं इसको। ठीक है, ये आप देख सकते हैं टॉपिंग उसकी भरपूर हो गई है और बहुत ही लोडेड हो गया है बिल्कुल। ये बहुत जबरदस्त है, ये अंदर से भट्टी में से लगे और तकरीबन ये 15-20 मिनट्स के अंदर ये तैयार हो जाता है। अच्छा बिल्कुल लीफ शेप में जो ये बन रहा है उसके ऊपर जो है इन्होंने जो आप कह रहे हैं अपना जो है सॉस है जो ये बनाते हैं, और जो है इसके ऊपर फुल जो है चिकन से इसको लोड कर देंगे और उसके ऊपर चिकन डल चुकी है। साथ साथ जो है इस तरफ अगर आप देखें तो इनका तेल है और जो है डिफरेंट चीज़ें इनके ऊपर, ऑलिव्स हैं आपके जो है, हैलपिनोज हैं कैप्सिकम है, थोड़े तरह टोमेटोज भी हैं, ऑनियंस भी हैं, और जिस हिसाब से जो कस्टमर डिमांड करते हैं उस हिसाब से जो ये लोग बना के देते हैं। और एक बहुत ही जो है एक यूनिक जो है कॉम्बिनेशन लेके आए हैं पाकिस्तानी स्पाइस एज वेल एज तुर्किश जो है स्पाइसिस का, और ये जब भट्टी में जाता है तकरीबन 5-7 मिनट जो उसको लगते हैं, ये आप देख सकते हैं भाई बहुत ही आला, और जो मेकिंग इसकी तकरीबन 5-10 मिनट में हो जाती है। इस तरफ जो इनका ये बटर है, साथ साथ जो डिफरेंट सॉसेज हैं, और ये इस तरफ जो है इनका एरिया है जहाँ पे जो इनकी टॉपिंग हो रही होती है। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अली है। अली भाई आप मुझे बताएं, ये तुर्कनान बेसिकली शॉप है, किस थॉट से, उसके पीछे साइकी क्या है, क्या सोच के शॉप खोली गई और कितना टाइम हो गया इसको? सर अभी नया आइटम है ये भट्टी पिज्ज़ा, मतलब नान के पिज्ज़ा बन रहा है। बाकी पिज्ज़े जो बनते हैं वो मैदे पे तैयार होते हैं, तो ये हमारा जो दो बनती है पिज्ज़े की वो पाइन आटे पे तैयार होती है। अच्छा अच्छा मुझे आप बताएं आपके पास जो है कैटेगरीज क्या क्या है? अली फ्लेवर है हमारा सबसे चलने वाला जो है सुप्रीम सिग्नेचर फ्लेवर है हमारा, ठीक है, अच्छा चलने वाला फ्लेवर है। इसके अलावा हमारे पास लीफ शेक में पान के स्टाइल में जो है ना वो पपीता है,
फिर मेल्ट अमाबा क्रीमी है, अच्छा फ्लेवर जो बिल्कुल स्पाइसी नहीं होता, बच्चों के लिए बड़े भी पसंद करते हैं क्रीमी हमारा। अच्छा अली भाई मुझे जो सिग्नेचर फ्लेवर है वो सुप्रीम है। ठीक है ठीक है। अच्छा अली भाई मुझे एक और बात बताएं कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस कितनी है, मिनिमम और मैक्सिमम कितनी तक जा सकती है? सर ये हमारी जो प्राइस है वो 450 से 550 तक है। अच्छा फ्लेवर का फर्क है बस, साइज हमारा एक ही होता है, राउंड में जो हमारे साइज है वो 11 से 12 इंच के होते हैं और लीफ में जो होते हैं वो 13 से 14 इंच के होते हैं। बाकी हमारे जो है प्राइस नॉर्मल प्राइस है, ज़्यादा इतने महंगे नहीं है, 450 है, 550 तक का है। कोई फ्लेवर हमारा 450 का है तो कोई 480 का है, कोई 500 का है। हमारा सिग्नेचर फ्लेवर है सुप्रीम 550 रुपये का है। ठीक है। तुर्क नान रखा क्यों गया, किस किस चीज की वजह से रखा? इसकी जो स्टफ होती है ना वो तुर्की की स्टाइल है। अच्छा स्टाइल ये तुर्की की स्टाइल है और वहाँ तुर्की में जो है भट्टी में बनते पीते। सही नाम इसको वहाँ का रखा गया। फिर हमारे जो है ना ये फ्लेवर यहीं के हमारे। अच्छा जितने भी आपके स्पाइसेस होते हैं मेड अपने खुद ही पार्सल होते हैं या डिफरेंट कहीं से आप परचेज करते हैं? नहीं नहीं हम खुद ही बनाते हैं, ये हम खुद ही तैयार करते हैं, यहीं पर ही तैयार होती है सारी चीज़ें, आपके सामने तैयार होती है। ये आटे से रोटी से लेकर आपको पूरा परचेज तैयार सब आपके सामने है। ठीक है। यहाँ आपके सामने रोटी बेली जा रही है, सब आपके सामने किया जा रहा है, मेकिंग आपके सामने किया जा रहा है। ठीक है। आखिर में बॉक्स में जो टॉपिंग है वो भी आपके सामने। अच्छा देखिए आपके आप मुझे बताएं आप लोग फूड पांडे भी अवेलेबल है? जी सर। उसकी टाइमिंग्स कब से कब तक है? हमारी जो है 7 से रात 2 बजे तक। 7 से रात 2 बजे तक। अच्छा उसके कोई चार्जेस भी होते हैं और कितने रेंज कितनी रेंज तक जो डिलीवरी हो सकती है? हमारे फूड पांडा के तो अपने चार्जेस होते हैं, उनकी अपनी डिलीवरी है। हमारे जो रखा हुआ है वो बाइकिया रखा हुआ है। अच्छा बाइकिया हाल किया हुआ है हमने, तो बाइकिया वाला हमारे पास 7 बजे से रात 12 बजे तक होता है। ठीक है। तो उसके जो है तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की रेंज। ठीक हो गया। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की रेंज जो है वो कर सकते हैं। चले जाते हैं क्योंकि पिज्जा जो है ना बना हुआ है आटे पे, फाइन आटे पे। ठीक है। तो ये गर्म खाने का मजा है। अच्छा बिल्कुल। ये आप जितना इसको यहाँ आके लाइव खाएंगे उतना मजा है, जितना ये दूर लेके जाएंगे ये ठंडा हो जाएगा, फिर वो मजा कम हो जाएगा। ठीक हो गया। तो जी भाई बहुत शुक्रिया आपने अपने वैल्यूएबल टाइम दिया। चल के हम इनके जो है लीफ पिज्जा को जो कि सुप्रीमो पिज्जा आई थिंक उसको हम टेस्ट करते हैं। अल्लाह इसी तरह जो आप सबके रिस्क में इजाफा था। पर मैं बहुत शुक्रिया भाई आपके टाइम मिले और उनसे हम इनसे रिव्यू पूछते हैं कि उन्होंने इनको किस तरह से इसका जायका लगा और कैसा कहाँ से अभी आए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हम आए पीआईबी कॉलोनी। अच्छा पीआईबी कॉलोनी से आए सर। तो आप मुझे बताएं कि जो है आप क्या माइंड बना के आए थे कि आप कौन सा जो है फ्लेवर टेस्ट करेंगे? भाई हम यूट्यूब पे बैठे थे, आपकी वीडियो हमने जो है वो सर्च करी। ठीक है। उस पर जो है पब्लिक की जो हमने धूम देखी। ठीक है। वो जो था धूम जो दिख रहा था मैं उस पर वीडियो का, तो हमने बोला कि आपकी तरफ जाना चाहिए, तो ट्राई करें क्या है। ठीक है। नई चीज़ दिखी मार्केट में है। अच्छा तो हम उसी को फॉलो करते हैं। पी आई बी से हम यहाँ हैं स्पेशली आपके लिए। पी आई बी कॉलोनी से हैं? जी सर। ठीक है। हमने ऑर्डर दिया आपका सुप्रीम और आपका पचीता। सही। नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बड़ा जबरदस्त आएगा इसका। ठीक है। मतलब आप मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फैमिली के साथ आएंगे। ठीक है। ये वैसे फैमिली के साथ आएंगे, दूसरे के चारों फ्रेंड्स आए इनके मिलके। तो थैंक यू सो मच सर आपने टाइम। अभी तो भाई चिकन फरीदा फ्लेवर जो आ चुका है, चल के जो है मैं उसको टेस्ट करके बताता हूँ किस तरह से इसका जायका है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आप ये देख सकते हैं भाई फुल जो है ना ओवरलोडेड हुआ भाई है। और जो इसको स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पहली चीज़ ये इसकी जो खुशबू आ रही है लिटरली इट्स माउथ वॉशिंग। और जो इसकी मेकिंग थी बहुत ही आला थी। तो भाई इन्होंने जो सॉस दिया है आप सॉस देख सकते हैं, उसको भी हम टेस्ट करेंगे। साथ साथ जो है पूरी जो उसके अंदर आपने कैप्सिकम और ये सब चीज़ें डाली हैं तो उसको हम टेस्ट कर दें किस तरह से जो है टर्किश और एज वेल एज पाकिस्तानी स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन करके जो है ये चीज़ बनाई है। और उसका स्ट्रक्चर जो है पूरा लीव जैसा है। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फर्स्ट चीज़ ये अभी देखें
दो जो है बहुत ही मलाई है, अभी देख सकते हैं बहुत ही जो है अभी इतनी सॉफ्ट है कि आप मुंह में रखें और खुल जाए। इसकी जो मैं आप बहुत ज़्यादा लिटरली इट्स अमेजिंग, और जो उसका जायका यार बहुत ज़बरदस्त है, जो अभी देख सकते हैं इसके ऊपर जो है तिल लगाए हुए, और तिल से जो है कि जो आप देखें ऊपर सारी तरफ से जो है इनकी पूरी कोटिंग की हुई है तिल से, एज वेल एज जो इसका कैप्सिकम है और जो कैबेजेस डली हुई है, एज वेल एज जो इसका चिकन है, तो इट्स टोटली डिफरेंट। एक बहुत न्यू चीज़ जो है ये मार्केट में लेके आए, और जैसा कि मैंने आपको बताया पाकिस्तानी एज वेल एज जो है ये ट्रेडिशनल स्पाइसेस को कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर बनाया है, सॉस जो है बहुत ही आला है, टोटली डिफरेंट मज़ा ही आ गया यार। और दूसरी चीज़ ये कि जो है जो आप इसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो ये बेसिकली ये नान जो है ये ओरिजिनेट हुआ ईरान से, एज वेल एज फिर ये फर्दर इसका कोई एक स्पेसिफिक नाम नहीं था, कोई टेस्ट था, सिंपल सी एक ये चीज़ थी। देन फर्दर जो मेन जो उसकी ओरिजिनेट का है ना, ये है आपका टर्की और अजरबैजानी, अजरबैजानी जो टर्किश कितने भी लोग थे और कुर्द के लोग थे, ये बेसिकली यूरोप बनाते थे, और डिफरेंट जो है स्पाइसेस के साथ डिफरेंट जो है आप समझते हैं कि चिकन के साथ मिला के जो है इसको जो हम बनाते थे, और फिर ये वहाँ से चलता गया और अब जो है ये मैं तुर्क नान पे मौजूद हूँ, तो ये यहाँ जो है चीज़ ये मिल रही है दोनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन की, स्पाइसेस की कॉम्बिनेशन से पाकिस्तान के एज वेल एज जो है तुर्की की कॉम्बिनेशन की स्पाइसेस, बहुत ही आला बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। इट्स अराउंड 550 रुपीज़, सारी चीज़ें जो अपनी मांग हैं, और यहाँ आना और यहाँ आके इसको टेस्ट करना लिटरली इट्स वर्थ इट, और जो है पैसे वसूल हो गए जी, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे जो है बहुत वेलकमिंग है और सपोर्टिव हैं, आपने ज़रूर इसको टेस्ट कीजिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पैसे जी वसूल हो जाएंगे। एड्रेस जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो का इख्तिताम इस दुआ से करता हूँ कि अल्लाह हम सब के रिस्क में इजाफा अता फरमाए। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, फी अमानिल्लाह।